हवाओं में घुल गई, धड़कन को आशिकी मिल गई, तबीयत मचल 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 गई। अभी जो आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो को मैंने काइन मास्टर की मदद से बनाया है। ये वीडियो अभी टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे काइन मास्टर का लिंक दे दूँगी। तो चलो काइन मास्टर को ओपन करते हैं। काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपको फर्स्ट वाला साइज सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कर लेना है और उसको सेलेक्ट करना है। अब आपको इस वीडियो क्लिप को छोटा कर लेना है, तो आपको इस तरीके से छोटा कर लेना है 8 सेकंड या 7 सेकंड का। और उसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ भी एक नेम लिख लेना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ओके कर लेना है और फॉन्ट वाले को सिलेक्ट करना है और कोई सा एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है आपको और इस तरीके से इसे खींच के बड़ा कर लेना है। इस वाले यहाँ पे सिलेक्ट करना है येलो कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है वहाँ पर, और आपको अब कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। और इसका शैडो हम कम कर देते हैं, आपको शैडो को बंद कर देना है। अब आपको इस टेक्स्ट वाले लेयर को वीडियो के इक्वल कर लेना है। अब आपको स्मोक वाला वीडियो ऐड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है और स्मोक वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना है और उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, साइड में ऑप्शन दिख जाएगा। आपको यहाँ लास्ट में आ जाना है, ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ इसको स्टार्टिंग से कर देना है, इसको इसके नाम के ऊपर ऐसे सेट कर देना है। नाम को थोड़ा हमें आगे कर लेना है और इसको स्टार्टिंग से कर देना है। अब आपको टेक्स्ट में इन एनिमेशन सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। एक आपको वाइप राइट वाला एनिमेशन मिलेगा, वो वाला, ये वाला आपको सेलेक्ट कर देना है। टाइमिंग आप 1.5 रख सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपका वीडियो बनके रेडी हो चुका है। आपको थोड़ा आगे पीछे कर लेना है, आपको स्मोक और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दोनों सेम अच्छे से आना चाहिए। अब आपको एक बैलून इफेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओवरले का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है और ये बैलून्स पार्टी वाला आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ नीचे गेट मोड्स पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सिलेक्ट करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा है, तो आपको कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको इसे छोटा कर लेना है और यहाँ पे सेट करना है। अब आपको यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर देना है। अब आपको इसे गैलरी में सेव कर लेना है, यहाँ शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप ये वाला वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो को बनाना बहुत ही ईजी था, तो आप भी इस वीडियो को जरूर बनाएं और अपने टिकटॉक आईडी पे अपलोड करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।